भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूँ। एक निराकार अनादि अनंत परम ब्रह्म ही जीवों के एकमात्र आराध्य हैं, वे ही जगत गुरु हैं। आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से हम लोगों में उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है। बाबा ने ऐसा कहा है चर्याचर्य द्वितीय खंड में। हम लोग इस कल्याण पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, बाबा ने यह भी चर्याचर्य द्वितीय खंड में ही बताया है। बाबा ने कहा है, वराभय और जानु स्पर्श मुद्रा के प्रवर्तन द्वारा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जिस शक्ति स्पंदन की सृष्टि की है, तुम लोग उसी का सहारा लेकर अपने को और जगत को सर्वात्मक कल्याण के पथ पर लेकर आगे बढ़ो। ओम शांति। सद्गुरु ही सृष्टि जगत से निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाने वाले सत्ता हैं। इसको आनंद सूत्रम की ये पंक्ति स्पष्ट करती है। भावः भावतीत्यो सेतु तारक ब्रह्म। सद्गुरु ही तारक ब्रह्म है। आज उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी की गौरव गाथा आपके सम्मुख हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्यार और आदर से बाबा कहते हैं। बाबा का अर्थ है परम पिता, जो सबके पिता हैं, संपूर्ण विश्व के पिता हैं। बाबा ने जगत में सर्वात्मक कल्याण हेतु आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की है। सन 1921 में वैशाखी मास की पूर्णिमा तिथि को 6:07 पर बाबा का आविर्भाव जमालपुर में हुआ। बाबा के बचपन का नाम अरुण था। 4 वर्ष की उम्र में उनका नाम प्रभात रंजन सरकार रखा गया। बाबा बचपन से ही हिम्मती एवं साहसी बालक रहे। उन्होंने कभी भी अत्याचार नहीं सहा। उन्हें हार्ड शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सन 1939 में बाबा ने कलकत्ते में गंगा के किनारे काशी मित्रा घाट पर श्री कालीचरण बनर्जी को दीक्षा दान दिया और सन्यासी बनाया तथा उनका नामकरण कालिका नंद किया। सन 1941 में उन्होंने विद्याध्ययन संपूर्ण किया ईश्वर चंद विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से। बाबा का विवाह अप्रैल 1959 में बंडेल में हुआ। जमालपुर शहर बिहार प्रदेश में अवस्थित है। जमालपुर इस धरती की वह धन्य जगह है जहां बाबा ने महासंभूति के रूप में अवतरित होकर आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च के महान उद्देश्य को आनंद मार्ग के रूप में स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप जमालपुर की प्रसिद्धि विश्वव्यापक हो गई और होती रहेगी। इस पवित्र भूमि के प्रत्येक अणु परमाणु में बाबा के जीवन से संबंधित सुर्खियां भरी हैं। इस स्थल से उस आध्यात्मिक रस का क्षरण हो रहा है जो मानव मात्र की अमूल्य निधि है। हम आशा करते हैं कि यह भाग आपको इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को अधिकाधिक समझने में सहायक सिद्ध होगा। जमालपुर स्थित बाबा का जन्म स्थल, रामपुर कॉलोनी स्थित वह रेलवे क्वार्टर जहां से बाबा ने मार्ग की शुरुआत की, इसी क्वार्टर से निकलकर इस संगठन ने आज सभी प्रकार की सीमाओं को पार कर विश्व संगठन का रूप ले लिया है। रेलवे पुल जिससे होकर बाबा अपने कार्यालय एवं बाग कब्र पर आया जाया करते थे। पर्वत शिखर पर अवस्थित इस काली मंदिर में बाबा बचपन में विद्यालय के एक मित्र के साथ आया जाया करते थे। यह स्थान आध्यात्मिक तरंगों से पूर्णतः स्पंदित है। काली मंदिर के बगल में स्थित पत्थर जहां बाबा बैठा करते थे, मृत्यु घाटी व इमली का पेड़। इस जगह के बारे में कहा जाता है
यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही संवेदनशील व शक्ति संपन्न है। यह सर्वाधिक मनमोहक स्थान है जहां बाबा प्रतिदिन संध्या काल में अपने भक्तों के साथ देर रात तक बैठा करते थे। यही वह स्थान है जहां मोमबत्ती के प्रकाश में अनेक दार्शनिक पुस्तकों की रचना हुई। यह झरना पर्वत से पश्चिम में स्थित है। बाबा इसे अमृत कहा करते थे। वे संध्या काल टहलने के समय यही पानी पीना पसंद करते थे। वो गलियारा जिसके टूटे हुए दीवार से होकर बाबा जागृति में आया जाया करते थे। जमालपुर में स्थित आनंद मार्ग जागृति। यह जागृति आनंद मार्ग की प्रथम केंद्रीय जागृति है। बाबा यहाँ पे 1956 से 1966 तक बैठा करते थे। यहाँ पर बाबा ने अनेकों पीसीज तथा डिमॉन्स्ट्रेशंस किए। जब 20 अक्टूबर 1966 को बाबा जमालपुर आए तो यहीं पर ठहरे थे। जमालपुर में स्थित मार्ग गुरु निवास मधु मंजूला। मधु कर्णिका मध्य आनंद नगर में स्थित है। 31 दिसंबर 1966 से 5 मार्च 1967 तक बाबा यहां रहे। 4 नवंबर 66 से 3 जून 90 तक बाबा ने 14 डीएमसी यहां पर किए। मार्च 1967 से 1971 तक बाबा का निवास रांची स्थित यह किराए का मकान रहा। मार्ग गुरु निवास मधु मंजूसा रांची में अवस्थित है। मई 1958 से 27 मई 1984 तक बाबा ने 14 डीएमसी यहां पर किए। मार्ग गुरु निवास मधु मालंज लेक गार्डन कोलकाता में स्थित है। 4 मार्च 1979 से 1987 तक बाबा यही रहे। 3749 प्रभात संगीत यहां पर दिए गए। यह निवास अपने सुंदर उद्यान के लिए जाना जाता है। सिलजला कलकत्ता में स्थित मार्ग गुरु निवास मधु कोरक। मई 1980 में बाबा ने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया। अक्टूबर 1985 से बाबा हर शनिवार को यहां आकर अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। 1989 से महाप्रयाण तक बाबा इसी निवास में रहे। यह जागृति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 बाबा ने सामाजिक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की। बाबा ने 1954 के दिसंबर में ही इसका नाम आनंद मार्ग दे दिया था तथा श्री प्रणय कुमार चटर्जी बाबा के द्वारा प्रथम जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। उसी दिन परम पूज्य बाबा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पंचांग के नव वर्ष दिवस को मैं डीएमसी प्रारंभ करूंगा। 1 जनवरी 1955 को आनंद मार्ग का प्रथम धर्म महाचक्र जमालपुर के रामपुर रेलवे कॉलोनी के एक क्वार्टर में हुआ एवं बाबा के प्रवचन का विषय था समाज का क्रमः विकास। यह क्वार्टर बाबा के छोटे भाई कान्हाई दादा के नाम से अलॉटेड था। अप्रैल तक बाबा ने 5 आचार्य और 1 महिला आचार्या बनाया। इसके पश्चात बाबा ने आचार्य बोर्ड का गठन किया जिसके आचार्य सुकुमार बोस बाबा द्वारा बनाए गए। मार्ग के प्रथम आचार्य श्री प्रणय कुमार चटर्जी हुए। इन्हें बाबा ने 1940 में बाघ के कब्र पर दीक्षा दिया। ये मार्ग के प्रथम आचार्य ही नहीं वरन प्रथम जनरल सेक्रेटरी भी हुए। मार्ग की प्रथम आचार्या श्रीमती रामपरी देवी हुई। इन्हें बाबा ने दीक्षा 1953 के नवंबर महीने में दिया तथा 1955 में इन्हें आचार्या बनाया। ये प्रथम आचार्या ही नहीं वरन मार्ग में दीक्षित प्रथम महिला भी हुई। 1956 परम पूज्य बाबा के निर्देशानुसार सर्व श्री आचार्य चंद्रनाथ कुमार, आचार्य शिव शंकर बैनर्जी, आचार्य हरि साधन जी तथा आचार्य रामतनुप जी ने ग्राम गद्दोपुर में मार्ग के प्रथम तत्व सभा को संपन्न कराया तथा गांव की महिलाओं के बीच
घर घर जाकर आचार्य रामपरी देवी एवं आचार्य अहिल्या देवी ने मार्ग के दर्शन को बतलाया एवं दीक्षाएं दी। इस तत्व सभा के संबंध में बाबा ने जिन प्रश्नों एवं उत्तरों को आचार्य चंद्रनाथ जी को बतलाया था, आश्चर्यजनक रूप से तत्व सभा में उपस्थित पंडितों द्वारा वही सारे प्रश्न किए गए। पूज्य बाबा ने इस तत्व सभा को अत्यंत ही सफल तत्व सभा कहा था। 1958 26 जनवरी 1958 को त्रिमोहान में रेनेसा यूनिवर्सल की शुरुआत हुई, जिसमें बाबा के प्रवचन का विषय था प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। 1958 का आश्विन पूर्णिमा डीएमसी कृष्ण नगर के टाउन हॉल में संपन्न हुआ। जमालपुर के बाहर यह पहला धर्म महाचक्र था जिसमें संपूर्ण भारत से लोग आए। 1959 के 5 जुलाई को बाबा ने जटाशंकर जी तथा हरि वल्लभ जी को प्रथम कापालिक दीक्षा जमालपुर में 3 तार के वृक्षों के मध्य में दिया। 1959 में आनंद मार्ग का सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रवृत्त अस्तित्व में आया। इसी वर्ष अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विशेष आमंत्रण पर बाबा ने वहां के छात्रों तथा शिक्षकों को प्राण तथा मन विषय पर संबोधित किया। 1960 में मार्ग के इतिहास में प्रथम क्रांतिकारी विवाह श्री सुजीत जी एवं इंदु जी का हुआ। इसी वर्ष बालकों की द्वैमासिक पत्रिका नव संदेश का प्रथम अंक अप्रैल महीने में आया, जिसके संपादक श्री अमरनाथ कुमार हुए। परम पूज्य बाबा ने इस पत्रिका के माध्यम से बच्चों को आशीर्वाद दिया, मानव मनीषा का सर्वात्मक विकास तुम बच्चों में हो, यही मेरी कामना है। 1961 भारत के बाहर मार्ग का प्रथम प्रचार नेपाल में हुआ, जब आचार्य चंद्रनाथ जी मई जून 61 में काठमांडू गए। 1962 1 मई 1962 को बाबा ने प्रथम अवधूत दीक्षा दी। 1962 के वैशाखी पूर्णिमा के दिन अवधूत ड्रेस दिया गया। इसी वर्ष के मार्च महीने में भागलपुर जिला के पुलिस कांस्टेबल श्री गौरी शंकर मिश्रा जी ने प्रथम विधवा विवाह किया। इसी वर्ष गढ़ जयपुर की रानी साहिबा ने 500 एकड़ जमीन आनंद मार्ग को दान में दिया। 1963 में इरोज की स्थापना हुई। इसी वर्ष बागलता में हमारे जमीन का नामकरण आनंद नगर रखा गया। 1965 में मार्ग के महिला कल्याण विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग के विभिन्न शाखा प्रशाखा दुनिया भर में हैं। प्रथम अवधूतिका आनंद भारती आचार्य की दीक्षा इसी साल अक्टूबर महीने में हुई। 1966 वैशाखी पूर्णिमा का धर्म महाचक्र 16 मई को पटना में हुआ। 16 मई को भारत के बाहर धर्म प्रचार के उद्देश्य से प्रथम बार सन्यासी को भेजने की औपचारिक घोषणा हुई। इनका नाम आत्मानंद अवधूत था। इन्हें केन्या भेजा गया। पहले विदेशी पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री अमिताभ हुए, जो कि जापान के एक इंजीनियर थे। ये फरवरी 66 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। 1967 5 मार्च 1967 को आनंद नगर में 5 सन्यासियों की निर्मम हत्या एक विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, जिसमें कि गढ़ जयपुर के तत्कालीन वीडियो भी सम्मिलित थे। वे 5 सन्यासी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बाबा तथा आनंद नगर की रक्षा की, वे हैं आचार्य अभेदानंद अवधूत, आचार्य सचिदानंद अवधूत, अवध कुमार, प्रभास कुमार तथा भरत कुमार। लंबे केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 लोगों को, जिसमें वीडियो शामिल थे, को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस हमले के बाद बाबा रांची चले गए। वहां के जागृति में उन्होंने कहा
उन पांच दधीचियों को मोक्ष प्राप्त होगा ही। बाबा ने मार्गियों से यह भी कहा कि वे देखें कहीं इन दधीचियों का त्याग व्यर्थ ना जाए। 1968 बाबा ने पहली बार भारत के बाहर धर्म महाचक्र मनीला में किया। मनीला में डीएमसी 23 जून को संपन्न हुआ। इसी साल आनंद नगर में एएमआईटी की स्थापना हुई। 1970 बाबा नाम केवलम कीर्तन। बाबा ने 8 अक्टूबर को अमझरिया में वन विभाग के विश्राम गृह में संध्या के वक्त दिया। इसी साल आनंद मार्ग विश्व त्राण कमेटी एमर्ट का गठन हुआ। सन 1971 के 29 दिसंबर को पटना में परम पूज्य बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्षों के कारावास काल में बाबा के ऊपर अनेकानेक अत्याचार हुए। 1973 सन 1973 के 12 फरवरी को पाप शक्ति ने औषध के रूप में बाबा के ऊपर विष का प्रयोग किया। विष प्रयोग के प्रतिवाद तथा इस घटना के न्यायिक जांच हेतु बाबा ने पहली अप्रैल 1973 से अनशन शुरू किया, जो कि 5.5 वर्षों तक चलता रहा। परम पूज्य गुरु के प्रति पाप शक्ति के इस सर्वनाशी अपमानजनक आघात को शिष्य कभी भी सहन नहीं कर पाते, फिर आनंद मार्गियों को भी यह कैसे सहन होता। तत्कालीन सरकार के आनंद मार्ग विरोधी षड्यंत्र विशेष में संघर्ष और विरोध की राह पर दुनिया भर के आनंद मार्गी उतर आए। 9 अप्रैल को बाबा की मांग की ओर संसार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से तथा विश्व विवेक को जागृत करने के उद्देश्य से आचार्य दिव्यानंद अवधूत ने पूर्व घोषणानुसार स्वेच्छा से आत्मदाह कर अपने दिव्य आत्मा की आहुति परम आराध्य गुरु को देकर मानव इतिहास में यह पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार अन्य कुछ भक्तों ने भी जीवन दान दिया। आचार्य दिव्यानंद अवधूत, इनका जन्म बागडफा ओडिशा में हुआ। 1973 में पटना में बिहार असेंबली के सामने इन्होंने आत्मदाह किया। आचार्य दिनेश्वरानंद अवधूत, इनका जन्म हरिहरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। 24 अप्रैल 1973 में दिल्ली के पुराना किला में इन्होंने आत्मदाह किया। आचार्य अतुलानंद अवधूत का जन्म वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 11 दिसंबर 1974 बांकीपुर सेंट्रल जेल में इन्होंने आत्मदाह किया। जर्मन ब्रह्मचारिणी उमा और आचार्य लोकेश ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी 1978 में बर्लिन में आत्मदाह किया। 17 फरवरी 1978 द लास टेक्सास यूएसए में आचार्य गगन ब्रह्मचारी ने अपने प्राणों की आहुति दी। दीदी आसितिमा ने जून 1978 में मनीला फिलीपींस में अपने प्राणों की आहुति दी। ये उस वक्त सिर्फ 26 वर्ष की थीं। आचार्य त्यागेश्वरानंद अवधूत ने जेल में ही पुलिस प्रताड़ना से दम तोड़ दिया। दीदी शांति ने मात्र 24 वर्ष की आयु में 2 अक्टूबर 1978 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आत्मदाह किया। 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। 3 जुलाई 1975 को मार्ग पर प्रतिबंध लगाया गया। मार्ग को प्रतिबंधित करने के विरोध में देश विदेश में सभा और जुलूसों का आयोजन किया गया। 1977 इस वर्ष में आपातकाल समाप्त हुआ और मार्ग के ऊपर से प्रतिबंध भी उठा लिया गया। 1978 में सत्य और असत्य के संग्राम में न्याय और अन्याय में सत्य और न्याय की विजय हुई। 2 अगस्त 1978 को बाबा बांकीपुर केंद्रीय कारागार से निकल ससम्मान बाहर आए। बाबा ने समस्त भार अपने कंधों पर लेकर एक तरफ संघ और उसके कार्यकर्ताओं की रक्षा की, वहीं दूसरी तरफ पाप शक्ति का व्यूह भेदन कर
स्वयं को भी मुक्त किया। इस दौरान इन सारे न्यायिक प्रक्रियाओं का संचालन आचार्य रामतनु जी द्वारा किया गया था। इसी वर्ष 6 सितंबर को परम पूज्य बाबा ने कौशिकी नृत्य दिया। 2 अगस्त को विश्व इतिहास में पहली बार भक्तों की इतनी बड़ी मॉब ने इष्ट के लिए दौड़ता जुलूस निकाला। 1981 पहली धर्म समीक्षा अगस्त 1981 में शुरू हुई। इसी साल पहली बार बाबा ने नए साल का धर्म महाचक्र 1 जनवरी को आनंद नगर में किया। 20 मई 1981 से बाबा वार्षिक धर्म महाचक्र में 3 भाषाओं में बोलना शुरू किए। 1982 में बाबा ने नव्य मानवतावाद का दर्शन दिया। बाबा ने अपने दर्शन में मानव समाज को एक अविभाज्य सत्ता के रूप में चित्रित किया है। 30 अप्रैल 1982 को कलकत्ता के विजन सेतु के पास एक विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने आनंद मार्ग के 17 सन्यासी और सन्यासिनियों की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की। 14 सितंबर को देवघर के मनोरम परिवेश में संगीत के जगत में युगांतकारी देन प्रभात संगीत की रचना शुरू हुई। बाबा ने प्रथम प्रभात संगीत बंधु हे निये चलो दिया। बाबा ने कुल 5018 प्रभात संगीत दिए। प्रभात संगीत अनेक भाषाओं में दिए गए। 1983 में कनाडा सरकार ने आनंद मार्ग को धर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान की और इसी वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक तांडव केस के प्रसंग में आनंद मार्ग को धर्म के रूप में स्वीकृति दी। 1986 दिसंबर 31 1986 में त्रिपिया सरकार ने आरयू के प्रवचन में अनुजीवत की रहस्यमय दुनिया के बारे में बताया। 1988 इसी वर्ष एमर्ट को उसके बेहतरीन काम के लिए 1988 का इंडिकेटर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला। ग्रेट चाइना की सरकार ने त्रिपिया सरकार को सामाजिक आर्थिक विषयों पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए बुलाया, जहां पर त्रिपिया सरकार का प्रतिनिधित्व आचार्य रघुनाथ जी ने किया बाबा के आदेश पर। 1989 में एमर्ट को रजिस्टर्ड संस्था के रूप में फिलीपींस में स्वीकारा गया। 1990 7 मई 1990 को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज आदरणीय भगवती प्रसाद बैनर्जी ने तांडव नृत्य को आनंद मार्ग संस्था का एक अभिन्न अंग माना। सितंबर 1990 में बाबा ने गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए प्रथम बार दिशा निर्देश दिए। 10 सितंबर को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन लेनिनग्राद में आने के लिए आमंत्रित किया गया। 20 अक्टूबर 1990 को बाबा ने 5018वां प्रभात संगीत दिया। 21 अक्टूबर को बाबा ने इस धरती पर अपना कार्य संपन्न करके भौतिक शरीर को त्याग दिया। अक्टूबर 1990 से 26 अक्टूबर 1990 तक बाबा का पार्थिव शरीर मार्गियों के दर्शनार्थ तिलजला में रखा गया, ताकि दुनिया भर के मार्गी उनका अंतिम दर्शन कर सकें, तथा ये 6 दिन अखंड कीर्तन निर्बाध रूप से चलता रहा। आचार्य श्रद्धानंद अवधूत 31 अक्टूबर 1990 को आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रथम पुरोधा प्रमुख एवं अध्यक्ष हुए। 1991 में एमर्ट को यूएनओ के तहत एनजीओ के रूप में स्वीकृति मिली। 1992 में युगांडा, ग्रीस, इथियोपिया, हंगरी, रसा,
में आनंद मार्ग पंजीकृत हुआ। हमारे संस्था का सांगठनिक ढांचा, सबसे पहले पुरोधा प्रमुख, फिर जनरल सेक्रेटरी, ग्लोबल सेक्रेटरीज, सेक्टोरियल सेक्रेटरीज, रीजनल सेक्रेटरीज और अंत में डायसिस सेक्रेटरीज। हमारे संस्था के बोर्ड और कमेटियों का परिचय, सबसे पहले पुरोधा बोर्ड, फिर सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, अवधूत बोर्ड, आचार्य बोर्ड तथा तात्विक बोर्ड। इस प्रस्तुति का समापन हम बाबा के विचारों एवं वाक्यों से ही करते हैं। परम पुरुष इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिएशन। Bhava nam kevala.